हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सेकंड एंग्लो मराठा वार कंप्लीट कर लिया जो 1803 से 1805 के बीच में चला। हमने देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का कारण रघुनाथ राव था और सेकंड एंग्लो मराठा वार का कारण इनडायरेक्टली देखें तो रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव टू था। और आज हमें करना है थर्ड एंग्लो मराठा वार और हमें पता है ये लास्ट वार है, इसके बाद पेशवा का पद समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच में हुआ। इसके होने के दो कारण थे, नंबर वन पिंडारियों के कारण, नंबर टू गायकवाड़ के कारण। फ्रेंड्स होता क्या था, पिंडारी लोग हमेशा से मराठाओं का साथ देते थे और पिंडारी लोग बदले में मराठा से कोई पैसे नहीं लेते थे, बल्कि मराठा जो लड़ाई जीत जाते थे पिंडारी उस जगह को लूटते थे और मराठा इसकी इजाजत देते थे। हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से बाजीराव टू पेशवा बना था, उसके टाइम पर सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था और बाजीराव टू ज्यादा किलों को जीत नहीं रहा था तो पिंडारियों को मौका नहीं मिल रहा था जगह लूटने का, तो इसलिए पिंडारियों ने कर्नाटक रीजन, निजाम रीजन एंड इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीजन इनको लूटना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को समाप्त करने की मुहिम छेड़ दी और ये बात मराठा को पसंद नहीं आई क्योंकि पिंडारी पहले मराठा के साथ ही लड़ रहे थे। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार का एक कारण तो ये हो गया, दूसरा था गायकवाड़ और पेशवा बाजीराव के बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था क्योंकि पेशवा लोग गायकवाड़ पर क्लेम करते थे कि गायकवाड़ पेशवा के ही हिस्से हैं और कुछ टैक्स लेते थे, इसलिए फाइनेंशियल डिस्प्यूट हुआ। गायकवाड़ ने अपनी तरफ से गंगाधर शास्त्री को भेजा फाइनेंशियल डिस्प्यूट सेट करने के लिए, तो पेशवा की तरफ से डांगलिया ने इनको मार दिया। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट बढ़ा तो 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना साइन हुई जिसके तहत पेशवा को नर्मदा के ऊपर वाला क्षेत्र और तुंगभद्रा के नीचे वाला क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा को मनवाया कि गायकवाड़ के ऊपर अब पेशवा का कोई क्लेम नहीं रहेगा। मतलब पेशवा लोग गायकवाड़ वाले एरिया से, गायकवाड़ मतलब बड़ोड़ा वाले एरिया से कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये ट्रीटी पसंद नहीं आई किसी को तो पेशवा भोंसले सिंधिया और होलकर के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हमला करने की सोच रहे थे। आर्मी बनाते हुए प्लानिंग करते हुए सिंधिया पकड़े गए और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई जिसके तहत सिंधिया न्यूट्रल हो गए। तो पेशवा ने भोसले एंड होलकर के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूना रेजिडेंसी में आग लगा दी। आप देखना ट्रीटी ऑफ पूना की वजह से लड़ाई शुरू हो रही है और पूना रेजिडेंसी में ही आग लगा दी। यहां से थर्ड एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो गई। लेकिन वन बाय वन ये लोग हाथे चले गए, पेशवा भोसले एंड होलकर। होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पेशवा को बिठूर कानपुर भेज दिया पेंशन पर। इस तरह से थर्ड एंग्लो मराठा वार खत्म हो गया और यहां से पेशवा का पद समाप्त। अब फ्रेंड्स हमने तीनों एंग्लो मराठा वार कंप्लीट किए हैं, देखते हैं हमें कितना याद है। तीन एंग्लो मराठा वार हुए थे 1775 से लेके 1818 तक, 1775 टू 1818। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782। सबसे बड़ा कारण था इसका रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन था, तो 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था जिसमें बालाजी बाजीराव पेशवा था, उसके तीन सन और तीन ब्रदर लड़े थे। तीन ब्रदर में से दो ब्रदर खत्म हो गए थे, बचे थे रघुनाथ, और इधर एक सन खत्म हो गया था, बचा था माधवराव एंड नारायण राव। थोड़े दिन माधव राव ने पेशवा पद संभाला लेकिन टीवी सेन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद नारायण राव ने पेशवा का पद संभाला, तब भी ये रघुनाथ राव चुप बैठा रहा। लेकिन नारायण राव की मृत्यु करने के बाद जब नारायण राव का बेटा सवाई माधवराव, जो माधवराव से सवा गुना तेज था, सवाई माधवराव को जब ये सिर्फ 40 दिन का था पेशवा बना दिया गया। रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा और इस तरह से कहीं ना कहीं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो गई थी क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेमतलब में लड़ाई में शामिल होती गई। तीन ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में हुई थी एंड उसके बाद वड़गांव ट्रीटी हुई थी, वड़गांव एंड लास्ट में सलवाई। सलवाई वाली ट्रीटी के बाद तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हुआ था 1782 में। अभी ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि वड़गांव की ट्रीटी कब हुई थी, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं 1786 से 1782 के बीच हुई, तो 1780 के आसपास हुई थी। इसमें बीच वाली ट्रीटी को, वड़गांव वाली ट्रीटी को बंगाल की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं माना था, पुरंदर और सलवाई की ट्रीटी तो मेन थी सही। उसके बाद आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805। फर्स्ट वाला रघुनाथ राव की वजह से हुआ इनडायरेक्टली देखे तो, और इधर इनडायरेक्टली देखे तो रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू के वजह से हुआ क्योंकि यहां जसवंत राव होलकर जब नॉर्दर्न टेरिटरी बढ़ा रहे थे और अपने भाई को साउदर्न टेरिटरी बढ़ाने के लिए भेजा बिट्टू जी होलकर, तो बाजीराव टू ने बिट्टू जी होलकर को हाथी से कुचलवाने के ऑर्डर दे दिए, इसलिए होलकर को आया गुस्सा। होलकर ने लड़ाई शुरू कर दी बाजीराव टू से, यानी पेशवा से लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि ग्वालियर वाले इनके साथ लड़े जब उस टाइम पे थे दौलत राव सिंधिया, लेकिन फिर भी ये बाजीराव टू हार गए। ये वैसे भी सबसे वीकेस्ट पेशवा था। बाजीराव टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भागा
जैसे इसके पिता रघुनाथ राव आ गए थे। बाजीराव टू ने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर ली 18 चल रहा है, ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर ली। और ये ट्रीटी ऑफ बसाइन किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि पूरा का पूरा सूरत देना पड़ा, 26 लाख रुपए देने पड़े और मराठा निजाम से चौथ नहीं लेंगे, किसी को पसंद नहीं आई। हालांकि बाजीराव टू पेशवा बन चुका था, तो ग्वालियर, सिंधिया, होलकर ये सारे लोग मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े, लेकिन 1800 के आसपास का टाइम आ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी मजबूत। यहाँ पे तीन ट्रीटी हुई अलग अलग लोगों से, सिंधिया से अलग हुई, भोंसले से अलग हुई एंड होलकर से अलग हुई। होलकर तो राजपूत बन ही रहे थे ये बेमतलब में, तो होलकर से हुई राजपूर घाट, सिंधिया का साइन सूरज जैसा है तो उनसे हुई थी सूरजियाजन गांव ट्रीटी, एंड जो भोंसले था भोंसले से हुई थी देवगांव की ट्रीटी। ये तीनों ट्रीटी याद रखनी पड़ती है। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार हमने यहाँ देख लिया, कारण है पिंडारी एंड गायकवाड़। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर थर्ड एंग्लो मराठा वार में हुई थी, क्योंकि ये एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम एमपी की हिस्ट्री देखेंगे तब इसको देखेंगे, ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर एंड ग्वालियर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, एंग्लो मराठा वार तो हमने कंप्लीट कर लिया, और एंग्लो मराठा वार में जो मराठा आ रहे थे उनको देखा, लेकिन उससे पहले शिवाजी ने कैसे अपने आप को डेवलप किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से छत्रपति लोग बने। अभी तो हमने सिर्फ साहू जी के बारे में देखा था और शिवाजी के बारे में देखा, इसके बीच में भी 2-4 छत्रपति बने थे, तो वो मराठा का अलग हिस्ट्री है, 5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा की यही वाली हिस्ट्री देखेंगे जो इससे पहले की थी, एंग्लो मराठा वार से पहले की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1, 2, 3 एंग्लो मराठा वार कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।